बेमेतरा में सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारी नियमितीकरण, वेतनमान, बैंकों के माध्यम से सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग करते हुए हड़ताल पर बैठे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो फिर वो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि सोसाइटी के माध्यम से खाद बीज सहित अन्य सामान का उठाव हो रहा है। इसी बीच अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते तो सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को होगी। मांग को लेकर बैठे हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में, जो पहला है नियमितीकरण, दूसरा सरकारी कर्मचारी की भर्ती वेतन, और तीसरा है जो व्यापम भर्ती है उसको हटा करके सविलियन किया जाए, ये हमारी मांग है। सरकार के द्वारा पूर्व में ये बोला गया था कि हम अपने सरकार आने के बाद से कर देंगे, करके लेकिन 4.5 साल पूरी हो गई, अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ है। सरकार को चल जाना चाहिए और बिना मांग किए, बिना हड़ताल किए कर देना चाहिए, जिसको अभी तक नहीं किया है। हम लोग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बैठे ही रहेंगे, और पूरे जिले पर तालाबंदी है और हमारी उड़न दस्ता भी घूम रही है और समीक्षा कर रही है।